मेवात में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निजी जलापूर्ति टैंकरों का पंजीकरण कराएं। बता दें, हीट वेव को लेकर मेवात जिला सतर्क हो गया है। गर्मी के मौसम के दौरान लू के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के निर्देश अनुसार नूह शहर में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की सेवा में लगे सभी निजी टैंकरों को 24 मई तक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए निजी टैंकरों के सभी मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने टैंकरों को निम्न तिथि एवं स्थान पर पंजीकृत कराएं। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने आज पत्रकारों को दी। कुल मिलाकर हीट वेव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कहां कहां आप जो है इनको पंजीकृत करा सकते हैं। कार्यालय कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल नंबर 1 नुह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, वहीं दूसरा कार्यालय कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल पुनहाना अनाज मंडी के नजदीक। वहीं आपको बता दें कि कार्यालय कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल नंबर 2 पलवल पंचवटी के नजदीक और पंजीकृत टैंकर को पंजीकरण संख्या आईडी दी जाती है और टैंकर मालिक को पंजीकरण संख्या के साथ नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर प्रदर्शित करना होगा। निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए आप कंट्रोल रूम नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। बता दें 01267 1278 नुहू मंडल के लिए और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का है और टोल फ्री नंबर 18008005678। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके की आई थी कि जो नुह में जो क्योंकि पेयजल की समस्या रहती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जो भूजल है वो पीने लायक नहीं है, तो इसलिए बाहर से ही पानी की सप्लाई करानी पड़ती है। तो लू गर्मियों में लू चलने की वजह से जो पीने के पानी की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो इस संदर्भ में जो जितने भी प्राइवेट टैंकर्स हैं जो इस तरीके से पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार उनको जो है रिक्विजिशन कर लिया गया है और उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि वो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पर जो है पेयजल की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।